और ये नीचे देखिए, नीचे का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। आज हम लोग पहली बार नीचे के रूम में सोए थे, तो चलते हैं फिश टैंक की सफाई करते हैं। और ये भाई साहब सो कर गए, चाने की को आज फीवर भी है, तो यहाँ पर पड़ चुका है पानी। ये देखिए देखो कैसा लग रहा है, ये देखिए सही से चेक किया था ना हमने, तो इसको ये वेलकम बैक टू माई चैनल सार्थक एंड शानी ब्लॉग। फ्रेंड्स आई होप अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग से आज शुरुआत कर रही हूँ मैं, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और गाइस गर्मी बहुत पड़ने लगी है ना, तो कुछ समझ में ही नहीं आता इतनी गर्मी पड़ रही, पर मैंने सोचा ना आज आपको ब्लॉग में बताऊँ कि आज मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है, बहुत ही ठंडा हो गया है एकदम। मतलब धूप तो निकल आई, अभी मैं सुबह उठी थी ना जब से, तो सुबह उठते ही मैंने आज बहुत सारा काम कर दिया है, अपनी क्यारी सही कर दी है। आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ये यहाँ से नीचे से सारा गंदा हो रहा था ना, ये मैंने सारा क्लियर कर दिया, मैंने छांट दिया है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए आप लोग भी, नीचे पूरा गंदा हो रहा था ना, तो मैं पूरा क्लियर करके साफ कर दिया सुबह से, और थोड़ा थोड़ा पानी भी कर दिया, अभी और भी करना है मुझे। और गाइस हवा इतनी अच्छी चल रही है ना, आप लोग भी देखें कितना पेड़ हिल रहे हैं। आइए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखें हिल रहे हैं ना। तो आज ना मौसम इतना चेंज है, इतना चेंज कि मैं सुबह उठी जैसे, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो आज मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत सही हो रहा है। तो मैंने सारी सफाई कर दी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। दूर से दिखाती हूँ आप लोगों को, एक बार आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा देती हूँ मैं, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए पूरा क्लियर कर दिया है, ये देखिए मेरे पेड़ पौधे, और ये नीचे देखिए, नीचे का व्यू कितना अच्छा लग रहा है। इसमें क्या हुआ कि मैंने नीचे अभी पानी किया हुआ था, इनमें फूलों में मैंने पानी डाला था पाइप से ही, तो ये पूरे गिर गए हैं। तो कितना व्यू अच्छा लग रहा है, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हमने फूलों की वर्षा की हो, तो बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए मेरी क्यारी बिल्कुल मस्त हो गई है, और आप लोग भी देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा है। इसी कैमरे से देखिए बहुत हवा चल रही है, बड़े बड़े पेड़ भी हिल रहे हैं, और मेरे बाल भी देखिए बार बार उड़ उड़ के आ जाते हैं आगे को। तो चलते हैं अभी, और मैं पूरा काम कर देती हूँ, ये मैंने आज सुबह सुबह ही किया है। अभी मुझे पानी और करना था ना, तो मैं पानी का छिड़काव कर देती हूँ। मैंने सोचा मौसम अच्छा हो रहा है ना, तो वीडियो ही बना लेते हैं। बाल भी उड़े जा रहे हैं इतना, बहुत दिन में मतलब सो के उठी जैसे ही मैं, अभी अभी सूरज निकल आया है, अभी इससे पहले नहीं निकला था। और मेरा घर ना पूरा मुहाना है ना, तो सीधा इधर को ही धूप आती है ना सुबह सुबह, तो बहुत अच्छा लगता है। ये काम होता है मेरा डेली का काम, ये 15-20 मिनट काम बाहर ही लग जाते हैं मुझे, क्योंकि पौधों में पानी देना होता है। और अभी बच्चे सोए हुए हैं, इसके पापा तो अभी भी शायद उठ गए हैं, आज मेरी किसी ने हेल्प नहीं की, मैंने ही सारा काम किया है। तो अब ये व्यू इतना अच्छा लगने लगा है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मेरी साफ़ सफाई हो जाती है ना कैरी की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे साफ़ सफाई बहुत पसंद है। धूप की वजह से शायद आप लोगों को क्लियर नहीं आ रहा होगा, ये बाहर घर के बाहर साफ़ सफाई करने में मुझे इतना ही टाइम डेली लग जाता है, 15 से 20 मिनट। ये मेरे सामने भी पौधे हैं, इनमें भी पानी देते हैं सदाबहार के, इस जगह बहुत सारे सदाबहार उगे हुए हैं, ये जहाँ पर मैं पानी दे रही हूँ, ये देखिए। चलिए गाइस अंदर चलती हूँ, क्योंकि अंदर सारा काम करना है मुझे, खाना पीना सारा काम बाकी है, और बच्चे भी सोए हुए हैं। आज हम लोग पहली बार नीचे के रूम में सोए थे, ये देखिए दोनों बच्चे सोए हुए हैं। मैं लाइट जला के दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए आज हम लोग, ये क्या हो रहा है, ठंड लग रही है क्या ईशान, इसे क्यों ओढ़ रही हो भाई, चद्दर ओढ़ो ना, चद्दर ओढ़ बेटा। हमने ये खाट ही बिछाई थी ना, तो इस वजह से, क्योंकि यार हम लोग देख रहे थे फर्स्ट डे कि नीचे लेटने में कैसा लगेगा, तो इस वजह से ये लो ईशान, ये चद्दर ओढ़ लो बेटा, ओढ़ लो चद्दर लो। अभी ये दोनों सोए ही हुए हैं, और नीचे का ना इतना ठंडा हो रहा है कि जैसे एसी लग रहा हो, इस वजह से हमने सोचा यहीं से आकर पढ़ाई करता दिन में, और मैं कल दोपहर में मैं दिन में यहीं रुकी थी, तो मतलब ऐसा लग रहा जैसे एसी लगाओ,
चलिए मैं चलती हूँ ऊपर आपसे बातें करते करते, इन्हें सोने देती हूँ, लाइट ऑफ कर देती हूँ। नीचे का रूम इतना ठंडा लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे एसी लगा हो। तो मतलब मैंने एक दिन देखा रहा है कि दोपहर में तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर हमने सोचा नाइट में भी सोते हैं। नाइट में जैसे ही सोए इतना अच्छा लगा, कुछ कहने को नहीं। तो बच्चे यहीं पर सोए हुए और मैं आ गई ऊपर, करती हूँ काम फटाफट से, खाना पीना। अब बच्चों की छुट्टी है ना, तो आज बच्चे लेट तक सोएंगे और मुझे करने हैं बहुत सारे काम। एक्चुअली मेरी सानी को फीवर भी चल रहा है, इसको मैं बता रही थी ना शायद मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था लहंगे वाले में भी, कि इसको फीवर बार बार आ जाता है। इस वजह से चलती हूँ तो मैं किचन की तरफ, बहुत सारे काम करने हैं मुझे। सो गाइस, किचन में मैंने सारा काम कर लिया, खाना पीना बना दिया और ये बन गया, टिफिन लगा दिया इसके पापा के ये, और बर्तन भी वॉश कर रही हूँ अभी करना है। ईशानी सो के उठ चुकी है, ईशानी मेरा वीडियो शूट कर रही है। सार्थक अभी सोया हुआ है, 9 बजने को हो रहा है ना, 9 बजने वाला है, भैया अभी तक नहीं उठा। और यहाँ पे पापा की ये लंच है। बस ये दो बर्तन धोने को बचे हैं मेरे, देखिए ये। अभी तो बर्तन मैंने धुल दिए, तो किचन का काम हो गया। इसके बाद मुझे आज अपने ना फिश टैंक की करनी है अब सफाई, क्योंकि काफी दिनों से गंदा हो रहा है ना। चलो दिखाते हैं, ये रहा हमारा फिश टैंक, ये रहा फिश टैंक। हाँ, इसकी सफाई करनी है अभी, ये रहा। हाँ, देखिए कितना बेकार हो गया, गंदा हो गया। हाँ, पानी गंदा, बहुत दिन से हमने साफ नहीं करा। हाँ, चलो अभी इसकी सफाई करते हैं। हाँ, चलो तो चलते हैं फिश टैंक की सफाई करते हैं। और ये भाई साहब सो कट गए, सार्थक जी। अब सार्थक वीडियो शूट करने लगे हैं हमारी, और ईशानी की को आज फीवर भी है, ये भी उठी थी जब, इसको फीवर सही नहीं हो रहा, देखते हैं। और सार्थक, हाँ लाइट भी चली गई, सारी वो वाली लाइट ऑन कर दो। तो हाँ, तो चलो फिर टैंक की सफाई करते हैं फटाफट से। पहले हम लोगों को इसकी फिश निकालनी है बाहर। हमने पहले जाली लगा के रखी थी, हमारे साथ बहुत दिक्कत हो गई थी कि हम होली में घर गए थे तो हमारी 3 फिश चली गई। इस बार भगवान को प्यारी हो गई, हमें बहुत दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख। हमारी 3 फिश भगवान को प्यारी हो गई, तो इनको निकाल दिया। और ये हमारा कछुआ है, इसको बच्चे थोड़ा सा खेल भी लेते हैं, ये देखिए ये चल भी लेता है, ये देखना चलेगा भी अभी थोड़ी देर होती है। ये देखिए टेबल है ना, ये शीशा है ना, तो वो नहीं गिरेगा, वो समझदार है, शीशे में फिसल रहा है ना। ये देखिए यहाँ पर जमीन में चलेगा, ये देखिए उठा लो, ले आओ। तो यहाँ पर ईशानी कभी कभी खेल लेती है। और अब हम इसका निकालेंगे पानी, पाइप से निकालेंगे इसका पानी, पाइप में लगाओ जाके ईशानी बेटा, इसका प्रेशर बनेगा ना तब पानी। हाँ देखो, हम लोगों ने प्रेशर बना दिया, कितना गंदा पानी है, जब वो ऐसे साफ दिख रहा था ना हिलाने। देखो हमने इसमें प्रेशर क्रिएट कर दिया है और यहाँ से काफी सारा पानी निकल रहा है, और ये भी सारा पानी निकल जाएगा। इसके बाद में हम इसको और अच्छे से धुलेंगे, अच्छे से वॉश करके दोबारा पानी डालेंगे और फिर से अच्छा साफ पानी भर देंगे, और फिर यही होता है हमारा प्रोसेस, और फिर हमारा खत्म हो जाएगा। अभी देखना जा रहा है पानी, नहीं जा रहा है, हाँ जा रहा है, निकल रहा, दिख रहा है। सो गाइस, टैंक को साफ कर दिया हमने, ये देखिए, देख सकते हैं आप लोग, और पूरा क्लीन हो गया है, अच्छे से सोप वोप लगाकर हमने साफ कर दिया है, और अब साफ पानी भर जाएगा। इसके बाद में ये मछली हमारी रखी है बकेट बाल्टी में, ये मछली हमारी बाल्टी में रखी हुई है, अभी इसमें डाल देंगे, और फिल्टर विल्टर सब चला दिया जाएगा, तो ये वाला भी काम हमारा हो गया। सार्थक के सार्थक ये काम अकेले नहीं कर सकती हूँ, जब सब होते हैं तब होता है। सार्थक पानी वहाँ से नल से खोलते हैं, बंद करते हैं, तभी हो पाता है, ऐसे अकेले पॉसिबल नहीं होता है। तो यहाँ पर भर चुका है पानी, ये देखिए ऑक्सीजन फिल्टर दोनों चलना शुरू हो गए, और अभी हम इसमें फिश और टर्टल को डालते हैं। तो देखिए सबसे पहले टर्टल को डाल देते हैं, ये देखिए कितना मज़ा आया है टर्टल को, अपने घर में पहुंच चुका है टर्टल, और ये फिश भी अभी चली जाएगी, ये देखिए अभी हम और फिश लाएंगे।
शाम तक, तो फिर डाल देंगे इसमें और फिश, है ना। हाँ देखो कैसा लग रहा है सुंदर, ये देखिए अभी पूरा एक्वेरियम साफ हो चुका है। हाँ। पानी कितना अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है ना। ये देखिए तो गाइस हम लोगों का ये वाला भी काम हो गया और हम लोग फिर से मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस यहाँ पर आ चुका है सनी को काफी तेज फीवर और अभी इसको बर्फ से चेक किया था ना हमने, तो इसको 104 के ऊपर है फीवर, इस टाइम बहुत तेज फीवर आ गया और अभी इसको बर्फ की पट्टी रखनी है। हाँ, बर्फ के पानी की पट्टी इसको रख रहे हैं, बर्फ का पानी। हाँ इसको उधर रखना और ये सारी दवाइयाँ भी हैं इसको दे रहे हैं, इसका बहुत परेशान है। पहले तो इसको 102 फीवर था जब हम इसको दिखा के लाए थे, अब बहुत तेज आ गया है और अभी हमने फ़ोन करके पूछा है डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला है इसको भी दवा और बढ़ाइए, विचार कर दे के आया आ जाके दवा, तो वही हम दे रहे हैं और पट्टी रखने के लिए भी बोला है पट्टी रख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर है, 104 है। यहाँ पर इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, कैसे करें समझ नहीं आ रहा। इसको भी फिर से डॉक्टर के ले जाएंगे, देखते थोड़ी देर में हल्का हो जाएगा, फिर वो दवा बढ़ा रही हुई है, ठंडे पानी से पट्टी करेंगे जब भी आराम मिलेगा, थोड़ा सा देखते हैं। पता नहीं इसको क्यों बार बार फीवर आ जाता है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बार बार उसकी इसका चेकअप कराना पड़ेगा, अब की बार अगर नहीं सही हुआ तो देखते हैं जैसा भी होता। तो चलिए गाइस आप लोगों से यहीं पे इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं यहीं पर कर देते हैं ना, मन नहीं कर रहा, बहुत होगा परेशान हो गए शानी की बीमारी से, फीवर इतनी तेज है। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और काफ़ी सारे लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।